सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, wishing you a wonderful year ahead with a lot of peace and prosperity. Diwali is always very special, and what makes it special is spending time with people you love the most. And for me, almost हर साल मैं किसी ना किसी फिल्म सेट पे होती हूँ, but इस साल मैंने बहुत मतलब I had made up my mind कि मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट करूँ. एंड जैसे कि सब जानते हैं दैट दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, स्वीट्स, नए नए कपड़े पहनना, फैमिलीज के साथ बाहर जाना, लक्ष्मी पूजा करना. सो द एंटायर आई लव डूइंग इट इन द होल ट्रेडिशनल वे. सो दैट्स माई प्लान फॉर दिस ईयर, स्पेंडिंग इट इन द एब्सोल्यूट ट्रेडिशनल. दिवाली से जुड़ी हुई कोई खास याद जो आप अपने दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? बचपन से मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, एंड मुझे याद है कि बचपन में यूज़ टू स्पेंड द होल डे डेकोरेटिंग आउटसाइड द हाउस, मेकिंग द रंगोली. और कितने बार ऐसा होता था कि पहली अटेम्प्ट में हमें वो हम जो पैटर्न चाहते हमें नहीं हम नहीं बना पाते थे, पर हम लोग पूरा पूरा दिन बिता के एक खूबसूरत सी रंगोली बनाते थे, उसके इर्द गिर्द दियाज डेकोरेट करते थे. एंड इवन नाउ आई लाइक टू मेक माई ओन दियाज एंड गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स. आई थिंक ये जो पर्सनल टच होता है यही दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू नो सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल. मुझे क्रैकर्स से कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. एंड मी एंड माय ब्रदर आई थिंक व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट चैनल आल्सो आई हैड डिसाइडेड आई वोंट बी वेस्टिंग एनी क्रैकर्स, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है. जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं रस्तों पे, बहुत उनको बहुत बहुत दिक्कत होती है. सो आई जस्ट डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू एन्जॉय अ फेस्टिवल. यू कैन डू इट इन द मोस्ट इको फ्रेंडली वे, एट द सेम टाइम एन्जॉय टू द फुलेस्ट. वेल मैं बचपन से मैं क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करती, बिकॉज आई थिंक दैट हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं दे हैव सो मच मोर टू ऑफर देन जस्ट यू नो लाइक इन दिस केस फायर क्रैकर्स आर एडिंग टू द एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. सो अगर हम इन दोनों चीज़ को अवॉइड करके सेलिब्रेट कर सके तो वाई नॉट. एंड आई हैव सीन कि नॉर्मली दिवाली के एक दिन बाद जो अगर आप रस्तों पे कभी भी चलेंगे या व्हेनेवर ड्राइविंग थ्रू यू सी इट्स सो डर्टी एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू क्लीन इट, बट अगर हम वो गंदा ही ना करें तो हमें साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड एक कस्टमरी फुल जोड़ी जलाऊंगी इस साल. आई थिंक दैट्स अबाउट इट, बट नॉट रियली बस्टिंग दैट. दिवाली के साथ क्रैकर्स तो हैं, साथ ही साथ मिठाइयाँ और तरह तरह की डिशेज की भी बहुत बात होती है, तो विच इज़ योर फेवरेट? मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है. बेशक मैं पूरे साल नहीं खाऊँ, बट दिवाली का ये त्यौहार मैं कभी भी मिस नहीं करती टू हैव माई फेवरेट स्वीट्स. आई लव गुलाब जामुन, आई लव रसमलाई, आई लव काजू बर्फी. सो इस साल मैं पूरी आई एम गोना ट्राई आउट ऑल माय फेवरेट स्वीट्स. मैं बनाती नहीं क्योंकि मैं बनाऊंगी तो कोई खा नहीं पाएगा, पर घर में बहुत सब खाने के शौकीन हैं, सो पूरी तैयारी रहती है.